वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज मेरा छुट्टी है तो मैंने आज सोचा कि आज एक नया ब्लॉग बनाते हैं। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि मैं कुछ आज नया करने जा रहा हूं। मैंने अभी तक वैसा कुछ ट्राई नहीं किया है। तो एक्चुअली मैं कल शाम में मार्केट गया था। मार्केट जाने के बाद मैंने खस्सी का जो पाँव होता है, जो हम लोग इंडिया में उसको गुड़ी बोलते हैं, तो मैंने लाया है, 10 रियाल का लाया है। और लाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज निहारी बनाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी है। तो मैं निहारी तो छोटा छोटा पीस करवा के खस्सी का पाँव लेते आया हूँ। और लाने के बाद मैं उसको अच्छी तरह से साफ किया, और साफ करने के बाद मैं आग में इसको हल्का गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो स्मेल है वो स्मेल चला जाता है। तो हमारे पास तो जो यहाँ सॉरी में बर्नर ही है, तो बर्नर में मैं रखा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह का बर्नर में एक दो पीस रख रहा हूँ। रखने के बाद फिर इसको हल्का आँच में उसके बाद करने के बाद फिर मैं बढ़िया अच्छे तरीके से इसको साफ़ करूँगा। साफ़ करने के बाद जो इसका प्रोसेस है, किस तरह बनता है, तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। थोड़ा बहुत मैंने घर से पूछा है कि किस तरह निहारी बनता है। और कुछ देर के बाद इसके काम होने के बाद मैं अभी लुल्लू जाऊंगा। इसका जो स्पेशल निहारी का स्पेशल जो मसाला है, वो मेहरान करके यहाँ सऊदी में पाकिस्तान का एक मसाला है मेहरान, वो काफ़ी अच्छा है। निहारी का स्पेशलिस्ट मसाला वो प्रोवाइड 5 रियाल या 6 रियाल में मिलता है। अगर कोई भी आदमी सऊदी आ रहा है तो मेहरान का मसाला आप लोग यूज़ करें, काफ़ी अच्छा रहता है। एवरेस्ट का तो यहाँ नहीं मिलता है इंडिया का, मगर दूसरे साउथ का मसाला मिलता है। तो हम लोग जो नॉर्थ एरिया के लोग हैं, तो ज़्यादातर हम लोग साउथ का मसाला इंटरेस्ट नहीं करते हैं, तो मेहरान हम लोग को अच्छा लगता है, तो इसीलिए मेहरान हम लोग खरीद के यूज़ करते हैं। तो लुल्लू जाऊँगा, लुल्लू जा कर मेहरान का मसाला मैं ख़रीदूँगा। और मेहरान का मसाला ख़रीदने के बाद मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अगर मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अभी मसाला लेने के लिए, निहारी का मसाला लेने के लिए लुल्लू जा रहा हूँ। तो मैं लुल्लू अभी 2-4 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हमारे पीछे जो देख रहे हैं जो बिल्डिंग है, लुल्लू का बिल्डिंग है। तो मैं अभी पहुँच चुका हूँ लुल्लू में, और अंदर जाने के बाद मेहरान कंपनी का और भी बहुत सारी चीज़ लेनी है। तो लेने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या मैंने परचेस किया है। वीडियो में बने रहें। हाँ दोस्तों, लुल्लू से मैं अभी निकल चुका हूँ। देखिए, मैं काफ़ी सारा आज सामान ले लिया हूँ, और जाके आप लोगों को मैं बताऊँगा क्या क्या सामान लिया हूँ। रूम पर जाने के बाद पूरा डिटेल बताऊँगा कि क्या क्या सामान लिया हूँ। चलिए चलते हैं, रूम जा रहा हूँ। रूम जाने के बाद आप लोगों से फिर मिलता हूँ। दोस्तों, मैं अभी अपने रूम में अभी पहुँचा हूँ, और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था कि मैं लुल्लू जा रहा हूँ, और लुल्लू जाने के बाद कुछ सामान ख़रीदना है। वो मुझे जो निहारी बनाना है उसके लिए कुछ सामान ख़रीदना है, तो मैं सामान ख़रीद के लेके आ गया हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एक्स्ट्रा मैं ख़रीद के लेके आया लुल्लू को। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या क्या ख़रीद के लाया हूँ। ये देखिए, मैं ख़रीद के लाया हूँ यहाँ सरसों तेल जो है, ये एक्चुअली में साउथ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। साउथ जो है इस इंडिया में जो स्टेट केरला कर्नाटका वहाँ से आता है। और ये देखिए, जो हमारे तरफ फूलगोभी बोलते हैं, ये फूलगोभी आप देख रहे हैं 7.50, यानी कि 7.5 रियाल का ये इतना बड़ा फूलगोभी है। मान के चलो कि ये कम से कम 150 रुपये का ये फूलगोभी है। और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मसाला, अगर चिकन उकन बनाना चाहते हैं, तो ये मेहरान का है चिकन और मटन मसाला, काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप लोग यहाँ अगर गल्फ में आ रहे हैं तो कोशिश करें कि चिकन के लिए और मटन के लिए मेहरान का ही मसाला यूज़ करें, काफ़ी अच्छा होता है। बाकी मसाला तो बहुत तरह के मिलते हैं। और ये दूध का, इस तरह आप लोगों को दूध मिलेगा यहाँ। अगर बहुत तरह का ब्रांड है, अलमराय है, नेदा है, बहुत तरह का। तो ये जो ब्रांड आप देख रहे हैं, ये जो है लाल कलर का आपको जो ढक्कन दिख रहा है, ये एक पहचान है कि लो फैट जो मिल्क होता है, वो जो आप लोगों को दिख रहा है लो फैट जो है, ये है। ये एक्चुअली में 10 रियाल का है, ये 1.75 लीटर है, 10 रियाल का ये है लो फैट का। और फुल फैट भी आता है, उसका जो ढक्कन रहता है ब्लू कलर का रहता है, वो पहचान है। और हमने ये घी ख़रीदा, लुल्लू का पर्सनल ब्रांड है लुल्लू का।
ये लुल्लू का पर्सनल प्योर घी लुल्लू का है, हाफ के जी का घी है, काफ़ी इंडिया के हिसाब से ऑलमोस्ट सेम ही है, 23 रियाल है अगर कन्वर्ट करेंगे तो वही 450-450 रुपये पड़ेगा हाफ के जी का। और ये देखिए हमारा पुराना हमारे पास कोरमा मसाला मेहरान का है, कोरमा मसाला है और भी बहुत सारा मेहरान का आता है, बिरयानी मसाला है, ये वेजिटेबल मसाला है, मेहरान का काफ़ी सारा मसाला आता है। तो आप लोग अगर इधर गल्फ में आ रहे हैं तो मेहरान का मोस्टली यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा रहता है। और ये देखिए यहाँ का पिन खजूर मैं दिखा रहा हूँ कि ये मैंने पिन खजूर लिया है, 5-10 रियाल में यहाँ पिन खजूर यहाँ हमेशा मिलते रहता है। ये देखिए ये पिन खजूर है, तो 5 रियाल का मैंने हाफ के जी पिन खजूर लिया है। और यहाँ निहारी के लिए हमने लिया है ये लेम्बू लिया है, इतने इतने बड़े लेम्बू यहाँ रहते हैं, ये इतना इतना बड़ा लेम्बू लिया है। और ये 1 रियाल का आपको 20 रुपये का ये धनिया पत्ता है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो 20 रियाल का इतना बड़ा धनिया पत्ता है 20 रियाल का, और ये सॉरी 20 रुपये का, इंडिया के 20 रुपये का इतना 1 रियाल का ये धनिया पत्ता है। और ये आटा है आपका, देखिए आटा 19 रियाल का है, 19 रियाल का आटा है। तो ये सब मैंने सामान लाया है, अब मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बाकी और आप लोगों को मैं आज निहारी का जो भी प्रोसेस है क्या क्या होता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा, वीडियो पूरा तक पूरा वीडियो देखिए तब आप लोगों को सारी चीज़ पता चल जाएगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आज बताया था कि आज मैं खसी के पाँव का निहारी बनाने जा रहा हूं, तो जैसा कि आप मेरे कुकर में देख रहे हैं कि कुकर में पूरा तैयार हो चुका है, बस इस कुकर को बंद करना है और 5-6 सीटी मारना है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इसके अंदर क्या क्या डाला हूं, टमाटर डाला हूं, प्याज डाला हूं, चिसपत्ता है, हरा मिर्चा है और भी जो भी खड़ा मसाला होता है जैसे कि गोलकी है और भी इलायची है, बड़ी इलायची है और भी बहुत सारी सामान, हरा मिर्चा है और भी इसमें मैं डाला हूँ और चिसपत्ता भी डाला हूँ, तो ये पूरा अच्छा कलर आ गया है। और अभी इसको बढ़िया से हल्का धीरे धीरे आँच पर चालू करने के बाद धीरे धीरे जब हो जाएगा उसके बाद कुकर को मैं बंद कर दूँगा। बंद करने के बाद 5-6 सीटी में ये तैयार हो जाएगा और तैयार होने के बाद बढ़िया से मसाला को मैं मिला दूँगा 2-4 मिनट के बाद, बढ़िया हाई फ्लेम में मैं इसको मसाला को मिला दूँगा, तो क्योंकि मसाला पूरा ग्रेवी हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा पानी अपने कितना उसमें पानी डालना है उसके बाद पानी डाल दूँगा। उसके बाद साथ ही साथ मैं दूसरी तरफ अपना ये कर रहा हूँ, प्याज को हल्का सरसों के तेल में डाल के ब्राउन कर रहा हूँ, इसमें हरा मिर्चा है और उसके साथ जीरा है। उसको क्यों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको तड़का लगाऊंगा और तड़का लगाने से थोड़ा अच्छा रहता है। तो अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।